हेलो फ्रेंड्स, मैसिव मल्टी स्टारर मूवी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मूवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड से भी ऊपर ले जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, आप जान चुके होंगे हम बात कर रहे हैं रामा रवैना राजियम मूवी की, जिसका टाइटल है RRR और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली। और 300 करोड़ के बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसके लीड रोल में रामचरण और साथ ही साथ NTR जूनियर भी शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी। और मजीद ये कि फ्रेंड, SS राजामौली के फादर विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली, बाहुबली 2, मरसल और बजरंगी भाईजान जैसी बढ़िया मूवीज की स्टोरी लिखी है, और एक बार फिर से वो मैदान में आ गए हैं RRR मूवी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस शानदार मूवी के ट्रेलर और साथ ही साथ शूटिंग को लेकर बात करते हैं। वेल फ्रेंड, हाल ही में इस मूवी के लॉन्च के शो पर आपने प्रभास, रामचरण, राणा दग्गुबाती और साथ ही साथ NTR जूनियर और भी साउथ इंडिया के बहुत से बड़े बड़े स्टार्स को देखा होगा। और इस मूवी का पहला शूट हैदराबाद में शूट किया गया, जो कि 19 नवंबर को शूट किया गया था। और बता दें कि ये एक एक्शन सीन था और इसको एक एलुमिनियम की फैक्ट्री में शूट किया गया था, जो कि हैदराबाद में वाकया है। और फ्रेंड, RRR मूवी को लेकर व्यूअर्स में, ऑडियंस में बहुत ज्यादा क्रेज है। और बाहुबली 2 के बाद ये वो वाहिद मूवी होगी जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर देगी। क्योंकि फ्रेंड, इस मूवी की सारी टीम वही है जो कि बाहुबली सीरीज में देखी गई है, डायरेक्टर्स भी, प्रोड्यूसर भी, और साथ ही साथ VFX और एक्शन टीम भी वही है। और बजट की बात कर ली जाए तो इस मूवी को 300 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है, जबकि बाहुबली 2 को 250 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। तो फ्रेंड, फिलहाल तो इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है वो तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने की गई है, लेकिन बता दें कि SS राजामौली की सभी मूवीज हिंदी में जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदी दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं SS राजामौली की डायरेक्ट की हुई मूवीज को, क्योंकि वो सबसे अलग होती हैं। और अगर कहा जाए कि इस मूवी के प्रोड्यूसर विजेंद्र प्रसाद बॉलीवुड के सबसे माने जाने वाले प्रोड्यूसर राइटर हैं, तो ये गलत नहीं होगा। फ्रेंड, इस मूवी की शूटिंग जहाँ पर जोशो खरोश से जारी कर दी गई है, और साथ साथ बता दें कि इसको 2019 के मिड में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि इसका ट्रेलर हमें रामचरण की बर्थडे यानी कि 27 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, आपको कितना इंतजार है इस मूवी का, और क्या आपके ख्याल में ये मूवी बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट करके बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगी या नहीं, हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।